जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज मैं आपके लिए एडुटेरिया करंट अफेयर्स के द्वारा जो प्रैक्टिस सेट दिया गया है, प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर प्रैक्टिस सेट नंबर 15 तक, लगभग इस प्रैक्टिस सेट में 750 क्वेश्चन MCQ के फॉर्म में दिए गए हैं। तो इस वीडियो में मैंने दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर प्रैक्टिस सेट नंबर 3 तक जितने भी MCQ एडुटेरिया के द्वारा करंट अफेयर्स के फॉर्म में दिए गए हैं उनको मैंने डिस्कस किया है। तो अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको पसंद आए दोस्तों तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और यह जो इस वीडियो का जो PDF है दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाकर इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय न गंवाते हुए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग दोस्तों प्रैक्टिस सेट 1 से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स हैं उनको हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, औद्योगिक डिकार्बोनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा कहाँ किया गया। तो आपको ध्यान में रखना है दोस्तों इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है। एक मिनट मैं पेन ले लेता हूँ। तो इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है दोस्तों, तो इसका उद्घाटन नितिन गडकरी के द्वारा कहाँ पर किया गया, तो नई दिल्ली में किया गया दोस्तों। और यह VBI सवाल है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यूरोप के सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन VivaTech में किस देश को कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता दी गई है। तो किस देश को कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता दी गई है दोस्तों, तो भारत जो देश है दोस्तों उसको कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता दी गई है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सी। नेक्स्ट, नीदरलैंड के खिलाफ किस देश ने विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए एक दिवसीय मैच में 498 रनों का अधिकतम स्कोर बनाया है। तो किस देश ने यह रिकॉर्ड बनाया दोस्तों, तो इंग्लैंड ने बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 से 17 जून को SCO के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी ढांचे यानी रेट्स के बैठक की मेजबानी किस देश ने की। तो किस देश ने की है इसकी मेजबानी दोस्तों, तो भारत ने की है। नेक्स्ट है, जून 2022 को भारत गौरव योजना के तहत भारत गौरव ट्रेन की पहली सेवा किन दो स्थानों के लिए शुरू की गई है। तो यह दोस्तों कोयम्बटूर से शिरडी के लिए यह शुरू की गई है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ए। बढ़ते अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जून 2022 में ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है। तो देश का पहला राज्य कौन बना है दोस्तों ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला, तो उसका नाम है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित मुख्य सचिवों के पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित मुख्य सचिवों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया। तो कहां पर किया गया है दोस्तों, तो यह धर्मशाला में किया गया है हिमाचल प्रदेश के। नेक्स्ट है, हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग में कौन कौन से सदस्य देश शामिल है। तो इसमें कौन कौन से सदस्य देश शामिल है दोस्तों, तो आपको याद रखना है कि इसमें सदस्य जो देश शामिल है उसमें भारत है, याद रखना है भारत है, अमेरिका है, UAE और इजराइल है दोस्तों। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशरी इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी फ्रूट्स सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। तो उस राज्य का नाम है दोस्तों कर्नाटक। इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान में रखना है आपको। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने किस राज्य में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST धरोहर संग्रहालय का उद्घाटन किया। तो उस राज्य का नाम है दोस्तों, याद रखना है आपको, गोवा। गोवा राज्य में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के द्वारा राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST धरोहर संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है दोस्तों, तो गुजरात बन गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा ओडिशा के चांदीपुर में पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। तो किस संस्था के द्वारा यह किया गया है दोस्तों, तो DRDO के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में शुरू की गई योजना अग्निपथ का संबंध किससे है। तो अग्निपथ का संबंध किससे है दोस्तों, तो सेना में युवाओं की भर्ती से संबंधित है अग्निपथ योजना। नेक्स्ट है, मैक्सिको के लियोन में आयोजित IWF यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले भारतोलक कौन बने। तो भारत के पहले भारतोलक कौन बने दोस्तों, तो गुरु नायडू सेनापति बने हैं भारत के पहले भारतोलक। नेक्स्ट है, हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है। तो रबाब फातिमा जो है संयुक्त राष्ट्र की अवर महासचिव है, यह बात जो है दोस्तों बिल्कुल सही है।
हमजा अब्दी जो बड़वा हैं, जो सोमालिया के प्रधानमंत्री बनी है, यह भी सही है। चो सोल हुई जो है दोस्तों उत्तर कोरिया की पहली महिला विदेश मंत्री बनी है, यह भी बात सही, यानी इसमें डी सभी के सभी सही हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, आईएमडी द्वारा जारी वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022 के संबंध में कौन सा कथन सही है? इस सूचकांक में डेनमार्क को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। दूसरा है दोस्तों, भारत इस सूचकांक में 37वें स्थान पर है, तो ये भी सही है दोस्तों और ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी इस सूचकांक में डेनमार्क शीर्ष पर रहा है दोस्तों और इस सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या रही है? तो 37वीं। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा हरियाणा स्थित ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइन द्वारा विकसित जानवरों के लिए देश के किस पहले घरेलू COVID-19 वैक्सीन को मंजूरी दी गई है? तो कौन सा है दोस्तों वह वैक्सीन? तो वह है एनोकोवैक्स। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, समुद्र तटों के प्रबंधन के लिए किस राज्य सरकार द्वारा बीच विजिल ऐप को लॉन्च किया गया? तो उस राज्य सरकार का नाम है दोस्तों गोवा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 22वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अकादमी पुरस्कार यानी आईफा के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जो है दोस्तों इसमें किसे दिया गया? तो विकी कौशल को दिया गया सरदार उधम सिंह के लिए। दूसरा, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड कृति सेनन को भी मिला है मिमी के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो है दोस्तों शेरशाह के निर्देशक है विष्णुवर्धन, उनको दिया गया, और सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है शेरशाह को, यानी ये सभी के सभी सही है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट, जून 2022 में किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? तो उनका नाम है दोस्तों मिताली राज। मिताली राज ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से दोस्तों संन्यास ले लिया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, जकार्ता में आयोजित पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो आपको याद रखना है कि जकार्ता में जो आयोजित हुआ था पुरुष हॉकी एशिया कप 2022, उसका खिताब किसने जीता है दोस्तों? तो उसका खिताब जीता है दक्षिण कोरिया ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? लॉरियस स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर किसे मिला है? तो मैक्स वर्स्टैपन को मिला है। लॉरियस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर किसे मिला है दोस्तों? तो एलेन थॉम्सन हेडा को मिला है। और तीसरा, लॉरियस टीम ऑफ द ईयर 2022 इटालियन मेंस फुटबॉल टीम्स को मिला है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये सभी के सभी सही है, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डी। नेक्स्ट है, दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन गुजरात राज्य में किया गया है दोस्तों। इंपॉर्टेंट सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? तो एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया दोस्तों? तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में किस शहर में देश का पहला और एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया है? तो एशिया का सबसे बड़ा और लिक्विड मिरर टेलीस्कोप किस शहर में स्थापित किया गया है दोस्तों? तो उस शहर का नाम है नैनीताल। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन कहाँ पर किया गया दोस्तों? तो यह पंचकुला हरियाणा में किया गया, हरियाणा के पंचकुला में इसका आयोजन किया गया दोस्तों। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य सरकार ने हाल ही में गर्भवती महिलाओं के लिए एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल शुरू किया है? तो आंचल किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है दोस्तों? तो यह राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया एक योजना है। नेक्स्ट है, हाल ही में नियुक्तियों के संबंध में कौन सा सम्मिलित है? तो सुजोल लाय थायोस जो है दोस्तों सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक बनाए गए, बिल्कुल सही है। फिर है, जुल्फिकार हसन जो है नागरिक उन्नयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक बनाए गए, यह भी सही है। फिर है, बजराम बेगस जो है दोस्तों अल्बानिया के नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं, यह भी बात बिल्कुल सही है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट है, हाल ही में आयोजित IPL 2022 का खिताब किस टीम ने जीता? तो IPL 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है दोस्तों? तो सभी को जानते होंगे उस टीम का नाम क्या है, तो वो है गुजरात टाइटंस ने जीता है दोस्तों, और ये पहली बार जीता गया है इसके द्वारा। नेक्स्ट है, भारत की पहली निजी अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा कहाँ शुरू की गई? तो यह कहाँ पर शुरू की गई है दोस्तों? तो यह शुरू की गई है बेंगलुरु में। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रबंध संस्थान ने भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक लॉन्च किया है। तो किस प्रबंध संस्था ने भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक लागू किया दोस्तों? तो लॉन्च किया, तो उसका नाम है IIM अहमदाबाद। नेक्स्ट है, स्विट्जरलैंड के लुसाने में आयोजित FIH हॉकी 5S चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता है? तो इस खिताब को जीता है दोस्तों भारत ने। इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जन समर्थ पोर्टल नामक क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं के लिए राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो याद रखना है दोस्तों किसके द्वारा किया गया है लॉन्च? तो ये नरेंद्र मोदी के द्वारा जारी किया गया जन समर्थ पोर्टल नामक क्रेडिट लिंक्ड
नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम क्या थी? तो याद रखना है विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम क्या थी दोस्तों, तो आपको ध्यान में रखना है इसकी थीम थी केवल एक पृथ्वी, और यह अभी भी ऐसा सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में किस राज्य के संत कबीर नगर में संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? तो उस राज्य का नाम है दोस्तों उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 35 का ए। नेक्स्ट है, किस राज्य के योजना विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही मेघई परियोजना को सूचना सोसाइटी फोरम 2022 पर संयुक्त राष्ट्र के विश्व शिखर सम्मेलन में सम्मानित किया गया है? तो उस राज्य का नाम है दोस्तों कौन सा, तो मेघालय। इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान में रखना आपको। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा देश के सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है? तो देश के सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट का निर्माण किस संस्था के द्वारा किया जा रहा है दोस्तों, तो टाटा प्रोजेक्ट के द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में ब्लू ड्यूक को किस राज्य सरकार द्वारा स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया गया? तो सिक्किम राज्य के द्वारा जो है दोस्तों ब्लू ड्यूक को राज्य सरकार द्वारा स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया गया। नेक्स्ट, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक पहल के तहत किसके द्वारा लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरमेंट आंदोलन की शुरुआत की गई है? तो किसके द्वारा ये इसकी शुरुआत की गई है दोस्तों, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट, हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इस सूचकांक में डेनमार्क को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, सही बात है दोस्तों। इस सूचकांक में कुल 180 देश शामिल हुए थे और भारत का स्थान इसमें अंतिम है, यानी 180वां है दोस्तों। यह बात बिल्कुल सही है, यानी इसमें तीनों का तीनों सही है दोस्तों। नेक्स्ट है, 7 जून 2022 को गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्था का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्था का उद्घाटन कहां पर किया गया है दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा, तो नई दिल्ली में किया गया। इंपॉर्टेंट सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य के बंदरगाह पर ऑपरेशन नमकीन चलाकर 52 किलोग्राम कोकीन बरामद किया गया? तो ऑपरेशन नमकीन चलाकर 52 किलोग्राम कोकीन बरामद किस बंदरगाह से किया गया दोस्तों, तो आपको ध्यान में रखना है कि गुजरात बंदरगाह से यह किया गया। नेक्स्ट, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के रिपोर्ट के अनुसार 2021-22 में भारत का सबसे बड़ा मशरूम उत्पादक राज्य कौन सा है? तो अपना प्यारा राज्य बिहार है दोस्तों। भारत का 2021-22 में भारत सबसे ज्यादा मशरूम उत्पादन करने वाला राज्य, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सी। नेक्स्ट है, 24वां डेफलंपिक 2022 के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसका आयोजन ब्राजील में किया गया था, इसका शुभंकर नीनो था, सही है। पदक तालिका में यूक्रेन को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ था, यह भी बात सही है, और भारत ने कुल इसमें 16 मेडल जीते थे, पदक तालिका में 9वां स्थान प्राप्त हुआ था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी सही हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, दृष्टिबाधित लोगों के लिए देश का पहला रेडियो चैनल किस शहर में लॉन्च किया गया है? तो किस शहर में लॉन्च किया गया दोस्तों, तो आपको ध्यान में रखना है कि यह लॉन्च किया गया है नागपुर में। नेक्स्ट है, हाल ही में 12वीं सीनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप किसने जीता है? तो 12वीं सीनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप किसने जीता है दोस्तों, तो ध्यान रखना है आपको, यह जीता है हरियाणा ने। नेक्स्ट है 48वां ला रोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो यह खिताब जीता है दोस्तों डी गुकेश ने। नेक्स्ट है, ऑल इंडिया लिमिटेड ने भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में लगाने के लिए किस राज्य में चालू किया है? तो ऑल इंडिया लिमिटेड ने भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में चालू किया है दोस्तों, तो उस राज्य का नाम है आपको ध्यान में रखना है असम में। नेक्स्ट है, पतन पोत और जलमानक मंत्रालय और फिक्की के सहयोग से 14 से 15 मई 2022 के मध्य पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन कहाँ पर किया गया दोस्तों, तो मुंबई में किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर कौन बना है? तो कौन सा पहला शहर बना है दोस्तों, तो आपको याद रखना है आगरा जो है वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर बना है। अब हम लोग दोस्तों सेट टू को देखते हैं, तो माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला देश का पहला राज्य हाल ही में कौन बना है? तो माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है दोस्तों, तो आपको ध्यान में रखना है कि देश का पहला राज्य कौन सा बना है, एक मिनट, तो इसमें देश का पहला राज्य बनना है दोस्तों महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन का उपयोग करके विमान की लैंडिंग कराने वाला देश की पहली एयरलाइन कंपनी कौन बनी है? तो गगन का उपयोग करने वाली उपयोग कर
लैंडिंग कराने वाली देश की पहली एयरलाइन कंपनी कौन बनी है दोस्तों, तो आपको याद रखना है वो है इंडिगो। इंपॉर्टेंट सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी तरह की पहली जीन बैंक परियोजना को मंजूरी दी है, तो उस राज्य सरकार का नाम है दोस्तों महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने अपनी तरह की पहली जीन बैंक परियोजना को मंजूरी दी है। नेक्स्ट है, हाल ही में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की क्रू में शामिल होने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बन गई है, तो पहली अश्वेत महिला कौन बन गई है दोस्तों इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की क्रू में शामिल होने वाली, तो उनका नाम है जेसिका वाटकिंग्स। और ये इंपॉर्टेंट सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, 28 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली में इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार किस संरचना को प्रदान किया गया है, तो किस संरचना को प्रदान किया गया दोस्तों, तो अटल टनल को प्रदान किया है। नेक्स्ट है, देश का पहला क्रिप्टो करेंसी बेस्ड कैफे कहाँ खोला गया है, तो क्रिप्टो करेंसी बेस्ड कैफे कहाँ पर खोला गया है दोस्तों, तो यह खोला गया है भोपाल में। नेक्स्ट है, यूनान के हेरा केलियन में आयोजित IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलक हाल ही में कौन बनी है, तो कौन बनी है दोस्तों, तो उनका नाम है हर्षिदा सरूड जो गरुड़ हैं दोस्तों, वो IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलक बनी है दोस्तों। नेक्स्ट है, दुनिया का सबसे लंबा कांच ब्रिज यानी उसका नाम कितना मीटर का है दोस्तों, तो 632 मीटर का है, कहाँ बनाया गया, तो दुनिया का सबसे लंबा कांच ब्रिज कहाँ पर बनाया गया है दोस्तों, तो यह बनाया गया है वियतनाम में। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही है, यह टूर्नामेंट 24 अप्रैल से 3 मई तक बेंगलुरु में अलग अलग स्थानों पर आयोजित किया गया, बिल्कुल सही है। पदक तालिका में जैन यूनिवर्सिटी ने 20 स्वर्ण पदक के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया, ये भी बात सही है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, फिर है उसी में क्वेश्चन है दोस्तों, लवली प्रोफेशन यूनिवर्सिटी ने 17 स्वर्ण पदक के साथ दूसरे स्थान पर रही, यह बात भी चल के सही है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट है, देश के पहले ग्रीनफील्ड ग्रेन आधारित इथेनॉल प्लांट का शुभारंभ बिहार के किस जिले में किया गया, तो ग्रीनफील्ड ग्रेन आधारित इथेनॉल प्लांट का शुभारंभ बिहार के किस जिले में किया गया, तो यह बिहार के पूर्णिया जिले में किया गया दोस्तों। इंपॉर्टेंट सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में WTO के 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो WTO के 12वें मंत्री सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया दोस्तों, तो याद रखना जिनेवा जो कि स्विट्जरलैंड में है दोस्तों, वहाँ पर किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, तो क्वाड लीडर्स शिखर 2022 का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों, तो जापान की राजधानी टोक्यो में यह किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में हुई नियुक्तियों के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो मानिक शाह त्रिपुरा के नए प्रधानमंत्री बनाए गए, मुख्यमंत्री बनाए गए, बिल्कुल सही है। राजीव कुमार जो है भारत के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने, बिल्कुल सही है दोस्तों। फिर है, मार्क जूनियर जो है फिलीपींस के नए राष्ट्रपति बनाए गए, यह भी बात बिल्कुल सही है दोस्तों, यानी सभी के सभी इसमें सही हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एवं लेखकों के संबंध में कौन सा कथन कौन सुमेलित है, तो कौन सुमेलित है दोस्तों, तो आपको याद रखना है कि राकेश मारिया ने लिखा है लेट मी से इट नाउ, बिल्कुल सही है। राशिद किदवई ने लिखा लीडर्स पॉलिटिशियन सिटीजन्स, ये भी सही है दोस्तों। प्रकाशी ने लिखा द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म इन इंडिया, यह भी सही, यानी उपयुक्त सभी सही है दोस्तों इसमें। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, तो आपको ध्यान में रखना है दोस्तों इसमें जो है कौन सा कथन सत्य है, तो आपको याद रखना है रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स द्वारा यह सूचकांक जारी किया जाता है, यह बात बिल्कुल सही है। इस सूचकांक में नॉर्वे डेनमार्क एवं स्वीडन क्रमशः पहले दूसरे एवं तीसरे स्थान पर है, यह भी बात बिल्कुल सही है दोस्तों। और इस सूचकांक में भारत की जो रैंकिंग है दोस्तों पिछले साल के 142वें स्थान से गिरकर कितना हो गया है दोस्तों, तो ये हो गया है 150, काफ़ी ख़राब स्थिति है भारत की दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तीनों कथन जो है दोस्तों सही है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में प्रारंभ की गई योजना में कौन सुमेलित है, तो याद रखना मुख्यमंत्री मितान योजना छत्तीसगढ़ में शुरू किया गया, सही है। ई अधिगम योजना हरियाणा में शुरू किया गया, यह भी सही है। लाडली लक्ष्मी योजना जो है 2.0 मध्य प्रदेश में शुरू किया गया, यह भी सही है। चार बिजाई जो योजना है दोस्तों हरियाणा सरकार के द्वारा यह शुरू किया गया, यह भी बात बिल्कुल सही है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ई हो जाएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने किस खिलाड़ी के नाम पर पानीपत में स्टेडियम बनाने की घोषणा की है, तो उस खिलाड़ी का नाम है दोस्तों नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट है, कंचनजंगा पर्वत की चढ़ाई करने के बाद 8000 मीटर से ज़्यादा ऊंची 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है, तो पहली भारतीय महिला कौन बन गई है दोस्तों, तो प्रियंका मोहित है। नेक्स्ट है, भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला बनाने की घोषणा किस राज्य के ST और SC विकास विभाग ने किया, यानी शेड्यूल ट्राइब एवं शेड्यूल कास्ट विभाग द्वारा किया गया है दोस्तों, तो उस राज्य का नाम है उड़ीसा। नेक्स्ट है, कांस फिल्म फेस्टिवल
के 75वें संस्करण में किस देश को कंट्री ऑफ ऑनर का दर्जा दिया गया, तो उस देश का नाम है दोस्तों अपना प्यारा देश भारत। नेक्स्ट है, विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया, तो विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया दोस्तों, तो आपको याद रखना है कि डॉक्टर शकुंतला हड़क सिंह को यह सम्मान दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है, तो डॉक्टर सिंधिया रोसेन रोसेन जब वेग को दिया गया है विश्व खाद्य पुरस्कार 2022, यानी डॉक्टर सिंधिया रोसेंज वेग को दोस्तों विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया, और यह अभी भी ऐसा वाले दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब कहाँ खोला गया, तो भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब कहाँ पर खोला गया है दोस्तों, तो यह खोला गया है हैदराबाद में खोला गया। नेक्स्ट है, ब्राजील के कैकियास डोसुल में हुए 24वें मुक्त बधिर ओलंपिक के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो भारत ने इसमें 8 गोल्ड 1 सिल्वर 7 ब्रॉन्ज समेत कुल 16 मेडल जीते। सही है, हरियाणा की दीक्षा डांगर ने गोल्फ में स्वर्ण पदक जीता, यह भी बात सही है। सुमित दहिया ने कुश्ती में एवं धनुष श्रीकांत ने निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीता, यह भी बात बिल्कुल सही है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो डी। नेक्स्ट है, दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया, यह शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो याद रखना है दोस्तों इंपॉर्टेंट सवाल है, दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया दोस्तों, तो यह किया गया कोपहेगन, डेनमार्क की राजधानी कोपहेगन में इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत के तहत 100% घरों को कवर करने वाला सांबा जिला किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है, तो यह केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट है, दिव्यगंत फोटोग्राफर दानी सिद्दीकी सहित किन भारतीय पत्रकारों को पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो दानी सिद्दीकी सहित किन भारतीय पत्रकारों को पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया दोस्तों, तो उनका नाम है उपयुक्त सभी, यानी सना इरशाद मट्टू, अदनान आदाबी और अमित दवे। नेक्स्ट है, 100 अरब डॉलर सालाना आय प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कंपनी निम्न में से कौन बन गई है, तो 100 अरब डॉलर सालाना आय प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बन गई है दोस्तों, तो रिलायंस इंडस्ट्री बन गई है। नेक्स्ट है, किस केंद्रीय मंत्री ने मई 2022 में उत्तर प्रदेश के रामपुर के पटवाई में देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया, तो देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किस मंत्री के द्वारा किया गया है दोस्तों उत्तर प्रदेश में, तो यह उनका नाम है मुख्तार अब्बास नकवी। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे टेम्पल्टन फाउंडेशन द्वारा टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है, तो उनका नाम है फ्रैंक विल्जेक। नेक्स्ट है, हाल ही में हुए निधन एवं उनके संबंधित क्षेत्र के संबंध में कौन सा सम्मिलित है, तो शेख खलीफा बिन जायद अल नहान यूए के राष्ट्रपति थे, बिल्कुल सही है दोस्तों। पंडित शिव कुमार शर्मा जो थे दोस्तों प्रसिद्ध संतूर वादक थे, यह भी बात सही है। टोनी ब्रुक्स जो थे दोस्तों फॉर्मूला वन ड्राइवर थे, यह भी बात सही है, यानी उपयुक्त सभी के सभी सही है दोस्तों। नेक्स्ट है, बायोगैस चलाने वाले भारत के पहले ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किस शहर में किया गया, तो बायोगैस से चलने वाले भारत के पहले ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किस शहर में किया गया है दोस्तों, तो वह है मुंबई। नेक्स्ट है, हाल ही में स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है, तो यह खिताब किसने जीता है दोस्तों, तो रियल मैड्रिड ने जीता। नेक्स्ट है, भारत सरकार के किस मंत्रालय ने दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म पुनरोद्धार परियोजना शुरू की है, तो उसका नाम है दोस्तों सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने यह परियोजना शुरू की है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन पर आधारित पहला स्वदेशी इलेक्ट्रिक पोत का विकास एवं निर्माण किया जाएगा, तो उस कंपनी का नाम है दोस्तों कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। नेक्स्ट है, मई 2022 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान का नाम आसानी किस देश ने रखा है, तो आसानी किस देश ने रखा है दोस्तों, तो याद रखना है आपको इसे श्रीलंका देश ने यह नाम दिया है। कहाँ पर आया दोस्तों, तो बंगाल की खाड़ी में यह तूफान आया। नेक्स्ट है, फाइजर कंपनी ने एशिया के पहले वैश्विक दवा विकास केंद्र की स्थापना भारत के किस शहर में की है, तो भारत के किस शहर में फाइजर के द्वारा यह किया गया दोस्तों, तो चेन्नई शहर में किया गया। नेक्स्ट है, किस राज्य में स्थित मांगड़ गांव भारत का पहला शहद वाला गांव बन गया, तो मांगड़ गांव किस राज्य में स्थित है दोस्तों, तो मांगड़ गांव है महाराष्ट्र राज्य में स्थित। नेक्स्ट है, वास्तुकला के क्षेत्र में रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स द्वारा रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया, तो रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया गया दोस्तों, तो बालकृष्ण विठल दास दोषी को यह सम्मान दिया गया है।
नेक्स्ट है, मई 2022 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज पांडे को किस पदक से सम्मानित किया गया है? तो उन्हें किस पदक से सम्मानित किया गया दोस्तों? तो परम विशिष्ट सेवा पदक से इन्हें सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे विशेष बांग्ला अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया? तो विशेष बांग्ला अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया दोस्तों? तो ममता बनर्जी को प्रदान किया गया। नेक्स्ट है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा कहाँ खुदाई के दौरान 5000 साल पुरानी आभूषण वाली फैक्ट्री की खोज की गई है? तो उस स्थान का नाम है दोस्तों राखीगढ़ी। और इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, मई 2022 में एप्पल कंपनी को पीछे छोड़कर कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? तो याद रखना है कि सऊदी अरामको जो है दोस्तों दुनिया की सबसे मूल्यवान बन गई है। कौन सी? तो सऊदी अरामको। तो 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी। मई 2022 में बैंकॉक यानी थाईलैंड में आयोजित थॉमस कप 2022 का खिताब किस देश ने फाइनल में इंडोनेशिया को 3-0 से हरा कर जीता है? तो यह किस देश ने जीता है दोस्तों? तो अपना प्यारा देश भारत ने यह खिताब जीता है, थॉमस कप 2022। इंडोनेशिया को हराया कितने से? तो 3-0 से। तो यह भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, आयुष्मान भारत, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स द्वारा मई 2022 में जारी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची में किस खिलाड़ी ने पहला स्थान हासिल किया? तो किस खिलाड़ी ने पहला स्थान हासिल किया दोस्तों? तो उस खिलाड़ी का नाम है, आपको ध्यान में रखना है, लियोन मेसी ने। नेक्स्ट है, किस देश को वर्ष 2022-24 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटी के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया? तो उस देश का नाम है दोस्तों, आपको याद रखना है, भारत। इंपॉर्टेंट सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, मई 2022 में कर्मचारियों को सुनिश्चित आय प्रदान करने के लिए पुरानी पेंशन योजना की बहाली को अधिसूचित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? तो पहला राज्य कौन बना है दोस्तों? तो छत्तीसगढ़ बना। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार कॉमनवेल्थ गेम 2026 से किस खेल को हटा दिया गया है? तो किस खेल से हटा दिया गया दोस्तों? कॉमनवेल्थ गेम से किस खेल को हटा दिया गया जो 2026 में होने वाला कॉमन गेम है? तो उसमें तीरंदाजी को हटा दिया गया दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम्स में, निशानेबाजी को हटा दिया गया और कुश्ती को हटा दिया गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य के प्रसिद्ध संगीत वाद्य यंत्र नरसिंह पेट्टई नाग स्वरम की को जीआई टैग मिला है दोस्तों? यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जो टैग है दोस्तों वो किसे मिला है? तो वो मिला है दोस्तों किस राज्य का है? तो तमिलनाडु राज्य का। नेक्स्ट है, पहली बार किस टीम ने इंडियन सुपर लीग ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो आईपीएल का खिताब पहली बार किसने जीता, सॉरी, इंडियन सुपर लीग ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है दोस्तों? तो आपको याद रखना है कि पहली बार यह जीता है, हैदराबाद एफसी ने इंडियन सुपर लीग का खिताब पहली बार जीता। नेक्स्ट है, विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया जिसमें भारत 8वें स्थान पर रहा है? तो याद रखना है दोस्तों कि विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया है दोस्तों? तो यह किया गया दुबई, यानी यूए के दुबई में इसका आयोजन किया गया है दोस्तों। और इसमें भारत का स्थान क्या है? तो 8वां है दोस्तों। अब हम लोग दोस्तों सेट 3 से जो सवाल पूछे गए हैं उनको हम लोग मतलब जो सेट 3 के जो करंट अफेयर दिए गए उनको हम लोग देखेंगे। तो पहला सवाल है दोस्तों, भारत के किस शहर में स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर विकसित करने के लिए नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी NSDE और UAE के DP वर्ल्ड के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है? तो उस संस्था का नाम है दोस्तों, आपको याद रखना है, वाराणसी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वाराणसी। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में रूस की जगह किस देश को शामिल किया है? तो इसमें रूस की जगह चेक गणराज्य को शामिल किया गया है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में। नेक्स्ट, मई 2022 में हुई नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? तो एलिजाबेथ बॉर्न फ्रांस की दूसरी महिला प्रधानमंत्री बनी है, बिल्कुल सही है। एंथनी एल्बनी जो है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री बने, यह भी बात बिल्कुल सही है। विनय कुमार सक्सेना दिल्ली के नए उपराज्यपाल बनाए गए, यह भी सही है। और हसन शेख महमूद जो है दोस्तों सोमालिया के राष्ट्रपति बनाए गए, यह भी बात सही है। यानी इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ई होगा। नेक्स्ट, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एवं लेखकों में कौन सुमेलित है? तो रस्किन बॉन्ड, लिसन टू योर हार्ट, द लंदन एडवेंचर, बात सही है। प्रीति सोनोय जो है दोस्तों अ प्लेस कॉल्ड होम, यह भी बात सही है। बिमल जनान के द्वारा लिखा गया द इंडिया स्टोरी, यह भी बात बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, व्यक्ति और संबंधित क्षेत्र, तो हाल ही में इनका निधन हो गया दोस्तों और उनसे संबंधित क्षेत्र से संबंधित आपसे सवाल पूछा गया था। लियोनिद
कड़ाउचुक यूक्रेन के राष्ट्रपति, ये सही बात है। अब्दुल गफ्फार चौधरी जो है बांग्लादेश के क्रांतिकारी भाषा आंदोलन गीत के गीतकार हैं, बिल्कुल सही। एंड्रू जो साइमंड्स है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर हैं, यह भी बात बिल्कुल सही थी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। नेक्स्ट है, किस मंत्रालय द्वारा केंद्रीकृत अधिकार अनुमोदन के लिए गति शक्ति संचार पोर्टल का विमोचन किया गया, तो उस मंत्रालय का नाम आपको याद रखना है दोस्तों, संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग द्वारा यह पोर्टल लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है, बैंकॉक में आयोजित उबेर कप 2022 किस जीत ने जीता है दोस्तों, तो सबसे पहले तो याद रखना है कि उबेर कप कहाँ पर आयोजित किया गया है, तो बैंकॉक में आयोजित किया गया, और इसे किसे जीता है दोस्तों, तो आपको याद रखना है दक्षिण कोरिया ने इसे जीता है उबेर कप 2022। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, देव सहायम पिल्लई को वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस यानी कैथोलिक चर्च द्वारा संत घोषित किया गया, यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय बने, उनका जन्म किस राज्य में हुआ, तो याद रखना है दोस्तों उनका जन्म हुआ तमिलनाडु राज्य में। नेक्स्ट है, मई 2022 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस देश की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया, तो उस देश का नाम है दोस्तों जमैका, और यह इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों बीपीएससी के लिए, जिसे आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला यानी NCFL का उद्घाटन कहां पर किया गया है, तो इसका उद्घाटन किया गया है दोस्तों अमित शाह के द्वारा हैदराबाद में। नेक्स्ट है, 26 मई 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस शहर में पहले राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया, तो उस शहर का नाम है दोस्तों तिरुवनंतपुरम। नेक्स्ट है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा स्वदेश निर्मित दो युद्ध पोतों सूरत और उदयगिरी को कहाँ लॉन्च किया गया है, तो इसे लॉन्च किया गया है दोस्तों मुंबई में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को मानद कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया, तो उस व्यक्ति का नाम है दोस्तों अजय पीड़ामल। नेक्स्ट है, इस्तांबुल में आयोजित विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने 52 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है, तो उनका नाम है दोस्तों आपको याद रखना है कहाँ पर ये हुआ है, तो इस्तांबुल में आयोजित हुआ है विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022। तो ये तो पहला सवाल हो गया, और एक भारतीय महिला बॉक्सर है दोस्तों जिन्होंने 52 किलोग्राम में भार में स्वर्ण पदक जीता, और उनका नाम है याद रखना है आपको निकिता जरीन। इंपॉर्टेंट सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, मई 2022 में आयोजित 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस राज्य ने अपने नाम किया है, तो याद रखना है दोस्तों कि 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस राज्य ने जीता है, तो उस राज्य का नाम है दोस्तों उड़ीसा। इंपॉर्टेंट सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस शैक्षणिक संस्था में भारत में 5G कॉल का पहला सफल परीक्षण किया, तो किस संस्था में भारत में 5G कॉल का पहला सफल परीक्षण किया गया है दोस्तों, तो इसका नाम है IIT मद्रास। नेक्स्ट है, नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी के विशेषज्ञों की एक टीम ने 8,830 मीटर की ऊंचाई पर किस पर्वत पर दुनिया के सबसे ऊंचा मौसम केंद्र स्थापित किया है, तो उस पर्वत का नाम है दोस्तों यहाँ स्पष्ट है 8,830 किसकी ऊंचाई है दोस्तों, तो उस पर्वत का नाम है क्या, तो माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश ने अंतरिक्ष टेलीस्कोप की सहायता से दुनिया के पहले रहने योग्य ग्रह की खोज की योजना बनाई है, तो उस देश का नाम है दोस्तों आपको याद रखना है चीन। नेक्स्ट, किस भारतीय कंपनी ने संयुक्त अरब अमीरात की प्रमुख T20 लीग में एक फ्रेंचाइजी का अधिग्रहण किया है, तो उस कंपनी का नाम है दोस्तों भारतीय कंपनी है जिसने T20 लीग में एक फ्रेंचाइजी का अधिग्रहण किया है, तो उस कंपनी का नाम है दोस्तों याद रखना है अडानी स्पोर्ट्स लाइन। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपना पहला सरकारी OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की है, तो उसका नाम है दोस्तों याद रखना है केरल राज्य सरकार ने अपना पहला सरकारी OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, किस संस्था द्वारा 1,00,000 महिला आशा कार्यकर्ताओं को ग्लोबल हेल्थ लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो उस संस्था का नाम है दोस्तों याद रखना है आपको WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है, इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल 2021-22 का खिताब निम्नलिखित में से किस टीम ने जीता है, तो याद रखना है इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल 2021-22 का खिताब किस देश ने जीता है दोस्तों, तो उस देश का नाम है मैनचेस्टर सिटी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश ने मंकी पॉक्स से पीड़ित मरीजों के लिए 21 दिन का अनिवार्य क्वारंटाइन शुरू किया है, तथा ऐसा करने वाला वह पहला देश बन गया है, तो उस देश का नाम है दोस्तों बेल्जियम। नेक्स्ट है, भारतीय मूल के किस बिजनेसमैन को दूसरी बार लंदन ब्रो ऑफ साउथवर्क के मेयर के रूप में
चुना गया है। तो उस कौन सा है दोस्तों बिजनेसमैन भारतीय मूल के रहने वाला है, तो उनका नाम है दोस्तों सुनील चोपड़ा। इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान में रखना आपको। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारतीय सेना की पहली महिला कॉम्बैट एविएटर के रूप में आर्मी एविएशन कॉर्प्स में शामिल किया गया है, तो उनका नाम है दोस्तों आपको याद रखना है कैप्टन अभिलाषा बराक। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर के प्रगति मैदान में 27 मई को देश के सबसे बड़े ड्रोन उत्सव भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया है, तो भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किस शहर में किया गया दोस्तों, तो नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट है, दोस्तों निम्नलिखित में से किस हिंदी लेखिका को उनके उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया, जिसे डेजी रॉकवेल ने ट्रांसलेट किया, तो उनका नाम है दोस्तों काफी फेमस नाम है गीतांजलि श्री। नेक्स्ट है, किसानों को आवश्यक वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में दूधवाणी नामक एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया गया, तो किस राज्य में यह उद्घाटन किया गया है दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, तो गुजरात राज्य में। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस राज्य में तंबाकू की खपत को नियंत्रित करने के प्रयासों को देखते हुए राज्य को विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 के लिए चुना है, तो उस राज्य का नाम है दोस्तों झारखंड। नेक्स्ट है, भुवनेश्वर में आयोजित राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस में कोयला मंत्रालय द्वारा किस वर्ष तक 100 मिलियन टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है, तो किस वर्ष प्राप्त कर लिएगा दोस्तों यह लक्ष्य, तो इसे 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया। नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना में ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया है, तो उन्हें शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया दोस्तों। नेक्स्ट है, ग्रीनको कंपनी द्वारा किस राज्य में 1500 करोड़ की 5230 मेगावाट की एकीकृत अक्षय ऊर्जा भंडारण परियोजना की नींव रखी गई है, तो याद रखना है दोस्तों कर्नूल यानी आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है, किस देश में इसे दुनिया का सबसे बड़ा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज यात्रियों के लिए खोला गया है, तो उस देश का नाम है दोस्तों चेक गणराज्य। इंपॉर्टेंट सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट है, ब्रिक्स देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत में क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की घोषणा की, यह किस राज्य में खोला जाएगा, तो यह किस राज्य में खोला जाएगा दोस्तों, तो यह गुजरात राज्य में खोला जाएगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री ने दावोस में हुए विश्व आर्थिक मंच की बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया, तो उस मंत्री का नाम है दोस्तों पीयूष गोयल, केंद्रीय मंत्री हैं पीयूष गोयल, उन्हीं को आमंत्रित किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में आयोजित महिला T20 चैलेंज 2022 का खिताब किस टीम ने जीता, तो महिला T20 चैलेंज 2022 का खिताब किसने जीता दोस्तों, तो सुपर नोवाज ने जीता। इंपॉर्टेंट सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग यानी ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बिहार के किस जिले में भारत के सबसे बड़े स्वर्ण भंडार का पता लगाया, और करीब कितना है दोस्तों, तो 44%, तो वो बिहार का है, जमुई जिला। नेक्स्ट है, जर्मनी के सुहल में आयोजित इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जूनियर विश्व कप 2022 में भारत ने कुल कितने पदक के साथ शीर्ष स्थान पर रहा है, तो भारत ने कुल कितना पदक जीता है दोस्तों इसमें, तो याद रखना है आपको इसमें भारत ने 33 पदक जीता है यानी 13 गोल्ड 15 सिल्वर और 5 जो है दोस्तों ब्रॉन्ज, तो इंपॉर्टेंट सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की इकाई अडानी हाइब्रिड एनर्जी लिमिटेड ने राजस्थान के किस शहर में भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड ऊर्जा उत्पादन संयंत्र का परिचालन शुरू किया, तो उसका नाम है दोस्तों जैसलमेर, राजस्थान के जैसलमेर में इनके द्वारा शुरू किया गया। नेक्स्ट है, जैव विविधता का विस्तृत रजिस्टर तैयार करने वाला पहला मेट्रो शहर हाल ही में कौन बना है, तो पहला मेट्रो शहर कौन बना है दोस्तों, तो कोलकाता बना है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश की नर्स अन्ना कांबले दुबे को दुबई में आयोजित एक पुरस्कार समारोह में एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया, तो उस नर्स का नाम है दोस्तों, उनका नाम है केन्या देश की नर्स है दोस्तों, जिन्हें गस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा बालिका सशक्तिकरण मिशन की शुरुआत की गई है, तो उस संस्था का नाम है दोस्तों NTPC। नेक्स्ट है, हाल ही में नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन बना है, तो पहला एशियाई देश कौन बना है दोस्तों नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला, तो दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP ने किसे चैंपियंस ऑफ अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है, तो उनका नाम है दोस्तों डेविड एटनबरो। इंपॉर्टेंट सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सही है, डेनमार्क के विक्टर
एक्सेलसन ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया, बिल्कुल सही है। भारत के लक्ष्य ने रजत पदक जीता, यह भी बात बिल्कुल सही है। तो दोनों कथन सही है दोस्तों, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट है, शहीद दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के किस शहर में विप्लोबी भारत गैलरी का उद्घाटन किया गया है? तो उस शहर का नाम है दोस्तों, याद रखना है आपको, कोलकाता। नेक्स्ट है, चयनित स्थानों पर बेहतर मृदा स्वास्थ्य के लिए कार्बन न्यूट्रल खेती शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? तो कार्बन न्यूट्रल खेती करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया दोस्तों? तो केरल बन गया। इंपॉर्टेंट सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, अल्पसंख्यक महिलाओं के नेतृत्व विकास के लिए शुरू की गई योजना नई रोशनी का संबंध किस मंत्रालय से है? तो इसका संबंध है दोस्तों अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय से। नेक्स्ट है, नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स ने किस अमेरिकी गणितज्ञ को टोपोलॉजी में उनके व्यापक योगदान के लिए वर्ष 2022 के एबल पुरस्कार से सम्मानित किया? तो 2022 का एबल पुरस्कार किसे मिला है दोस्तों? तो डेनिस पार्नेस सुलिवन को यह पुरस्कार दिया गया। और आज के डिस्कशन का हमारा लास्ट सवाल है दोस्तों, फिलीपींस में आयोजित एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में पीवी सिंधु ने कौन सा पदक जीता है? तो इसमें पीवी सिंधु ने कौन सा पदक जीता है दोस्तों? तो कांस्य पदक जीता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन, इस डिस्कशन में बस आज इतना ही। यह डिस्कशन मुझे कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर कोई चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू।